वेलकम स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में, रियल नंबर का। तो देखिए लेमा क्या होता है। ए लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को देखने की कोशिश करते हैं। For any two given positive integer a and b, there exist unique whole number q and r such that a is equal to bq plus r. Euclid's division lemma क्या कहता है कि दो given integer a और b के दरमियान वहां पे यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है q और r, वो कुछ इस तरह से a is equal to bq plus r. फिर हम कह सकते हैं कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, एक नंबर को जब 73 से डिवाइड किया जा रहा है गिव्स 34 एज कोशेंट। तो 34 कोसेंट आ रहा है एंड 23 एज रिमाइंडर और 23 रिमाइंडर आ रहा है। फाइंड द नंबर, उस नंबर को आपको निकालना है। तो यहां पे डिवाइजर कितना 73, कोसेंट कितना 34, रिमाइंडर कितना 23। अब पिछले वाले सेगमेंट में हमने बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना 73, डिवाइजर के जगह पर 73 लिख दिए। कोशेंट कितना 34, कोशेंट के जगह 34 लिख दिए। रिमाइंडर कितना 23। अब 73 मल्टीप्लाई 34 कितना आ रहा है 2482 प्लस 23, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2505। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 2505। इस तरह से रिक्वायर्ड नंबर 2505 हो गया। बच्चों अभी हमने पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्गोरिदम और उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो आइए जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है आप उसको समझने की कोशिश करें। एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। एल्गोरिदम क्या है, एक सीरीज है। किस चीज का, वेल डिफाइंड स्टेप का। एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए मेथड फॉर सॉल्विंग सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप का जो आपको एक मेथड देता है, एक मेथड बताता है किस चीज के लिए, सॉल्व करने के लिए एक सर्टेन टाइप के प्रॉब्लम को, एक खास तरीके के प्रॉब्लम को। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, अब हम लोग जानेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द HCF। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एक टेक्निक है जिसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं HCF दिए हुए किसी टू नंबर का, दिए हुए दो नंबर का आप क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। से ए एंड बी, मान लीजिए कि आपको दो नंबर दिया गया है ए और बी, और इस ए और बी का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। आप किसके हेल्प से निकाल रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से आप क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, जिसमें ए बी से बड़ा होगा। अभी हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा, अब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से HCF निकालेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम Using Euclid's division algorithm, find the HCF of 405 and 2520. 405 और 2520 का आपको HCF निकालना है Euclid's के division algorithm का इस्तेमाल करते हुए। तो अब बताइए बच्चों 405 और 2502 में कौन बड़ा। तो 2502 2520 बड़ा, 2520 बड़ा। तो इसको डिवाइजर बनाएंगे है ना, और इसको डिविडेंड, और हम लोग लॉन्ग डिवीजन जैसे कि 7-8 में करते थे वैसा डिवीजन करेंगे। आइए देखिए, तो देखिए 405 तो ये कितने बार में जाएगा, तो 6 टाइम में ये जाएगा।
तो यहाँ पे 6 दीजिए, 6 फाइव ज़ा 30, 6 ज़ीरो ज़ा 0 और 3, है ना, 6 फोर ज़ा 24। अब देखिए 0, 12 माइनस 3 9, और कुछ बचेगा तो नहीं बचेगा। अब इसको डिवाइजर बना दीजिए, 90 को डिवाइजर, और ये 405 को अब यहां पे लिख दीजिए और इसको डिविडेंड बना दीजिए, है ना। अब देखिए ये 4 टाइम्स में जाएगा 360, तो यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 45। अब इसको फिर अब डिविडेंड बना देंगे 90, 45 टू 90, अब रिमाइंडर यहां पे क्या बच गया, 0, कुछ भी नहीं। अब आइए देखिए, अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा तो आप जरूर समझिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा प्रोसेस है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का। देखिए 2520, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है, मैं एक बार दोबारा से यहां पर लिखता हूं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। तो वहां पे लिखा हुआ था a इज ग्रेटर देन b, जहां पे a b से बड़ा होगा, तो ये a होने वाला है, ये बड़ा है, तो लिख दिए 2520, है ना। अब हम लोग क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ये नंबर 405 मल्टीप्लाई 6 प्लस रिमाइंडर 90, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए हम लोग यही प्रोसेस बार बार रिपीट करते जाएंगे। अब देखिए सेकंड स्टेप में डिविडेंड कौन हो गया, 405, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 405, इसमें डिवाइजर कौन है 90, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई 4, 90 मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 45, यहां पे भी रिमाइंडर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब थर्ड स्टेप में चलेंगे, थर्ड स्टेप में डिविडेंड क्या है 90, तो हम इसको यहां पे 90 लिख दिए, है ना, और डिवाइजर कितना, डिवाइजर 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो ये स्टेप वन था, स्टेप वन, ये स्टेप टू और ये स्टेप थ्री, तो यहां पे देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, हेयर रिमाइंडर इज 0, सो एच सी एफ ऑफ 405 एंड 2520 is 45.